नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत की विदेश नीति से संबंधित कुछ आपके महत्वपूर्ण इसमें तथ्य दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। याद रखिए, वैसे आपके सिविल सर्विस हो फिर या स्टेट पीसीएस हो, जो मेंस का सेकेंड पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, उसमें आपका ये टॉपिक ही है एक पूरा, तो आपको वहाँ पढ़ाया भी जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अभी देखते हैं कि हर समय विदेश नीति चर्चा में बनी रहती है। अभी आप देख रहे होंगे नेपाल से हमारे इतिहास में सबसे बुरे रिश्ते अभी देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे पाकिस्तान से हो, चीन से हो और श्रीलंका से, हम लोग देखते रहते हैं कुछ खास हमारे रिश्ते ठीक ही नहीं है। आप देखिए कि उनका झुकाव चीन की तरफ हमेशा देखा जाता है, फिर चाहे बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, बाकी हमारे पड़ोसी देशों का हो, या फिर बाहरी हमारी जो भी बाहरी देश है उनसे हो। एक समय आप देखते थे कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का झुकाव रहता था, अमेरिका का झुकाव चीन की तरफ रहता था। एक समय हमारा रूस कितना अच्छा मित्र हुआ करता था, आज हम देख रहे हैं कि रूस पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकाव है उसका, और अमेरिका का हमारी तरफ झुकाव है। याद रखिए, अमेरिका कभी खुशी मत मनाइए इसे कि अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। अमेरिका एक मतलबी दोस्त की तरह होता है, कि इसका अगर मतलब ना होता, आप जान रहे हैं कि चीन को अगर प्रतिस्थापित करना है, चीन को आगे बढ़ने से रोकना है, तो भारत की मदद अमेरिका को चाहिए। तो इसी का मतलब मतलबी की तरह एक तरह, कल आप सोचिए कि अगर चीन से इसका मतलब बैठने लगे तो ये भारत को भी छोड़ सकता है, समझ रहे हैं? तो आज देख लेते हैं हम लोग कि भारत की जो विदेश नीति है इसे निर्धारित मतलब कौन कौन से आधार हैं, इसके निर्धारक तथ्य क्या क्या हैं। हाल के वर्षों में आपने देखा है कि विदेश नीति में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को हमें मिले हैं। मसूद अजहर का मामला हो, फिर चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, अथवा भारत चीन तनाव में सभी में भारत की विदेश नीति निर्धारकों ने अपनी कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित किया है। आप समझिए, चाहे फिर आपका वो कश्मीर का मामला हो, कोई भी ये मामला हो, सभी देशों ने हमारा ही साथ दिया है। कुछ समय पहले देखा है आपने, फिर चाहे स्ट्राइक हो, आपने देखा उस समय भी भारत का साथ ही दिया है, हर देश हमारी तरफ खड़ा हुआ था, किसी ने विरोध नहीं किया। कुछ ही देशों को छोड़कर आप तुर्की को ले सकते हैं इन्हें। अगर हम भारत की बात करें तो आज की बात नहीं है, प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से आप देखते रहते हैं, भारत विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता में से एक है। मेसोपोटामिया सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता एक ही समय की लगभग बताई जाती है। प्राचीन काल से ही, चाहे आप मौर्य साम्राज्य देख लीजिए, गुप्त साम्राज्य देख लीजिए, फिर चाहे मुगल साम्राज्य हो, भारत की विदेश नीति स्वतंत्र रही है। उपनिवेश काल में भारत की विदेश नीति के निर्धारक अंग्रेज रहे, जिन्होंने अपने लाभ हेतु भारत का प्रयोग किया, परंतु स्वतंत्रता उपरांत यानी 1947 के बाद भारत की विदेश नीति पुनः भारतीय हितों की पूर्ति कर रही है। आज भारत सैन्य क्षेत्र, अंतरिक्ष, धर्म, संस्कृति इत्यादि में विश्व के चुनिंदा देशों में से एक है, तथा भारत ने अपनी विदेश नीति निर्धारण में इनका बेहतर प्रयोग भी किया है। एक देश की विदेश नीति के निर्धारण में अनेकों कारक उत्तरदायी होते हैं, जिनमें आप भू राजनीतिक देख सकते हैं, सैन्य बल देख सकते हैं इत्यादि। एक बार हम लोग मैप्स पर चलते हैं, देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा भारत है एशिया में, ठीक है। अगर हम लोग पड़ोसी देशों की बात करें तो यहाँ आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, ये श्रीलंका, यहाँ आपका म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये आपका पाकिस्तान है, अफगानिस्तान से पीओके वाले का हिस्सा लगता है। चीन से हमारी सीमा नहीं लगती थी, आपको मालूम होगा, तिब्बत को जब से चीन ने हड़प लिया है तब से हमारी सीमा चीन से भी लगने लगी है। बाकी आप देख सकते हैं अमेरिका की जिसकी बात करते हैं, ये ऊपर रूस है, रूस ऐसा देश है जो एशिया में भी पड़ता है, यूरोप में भी पड़ता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे तो अमेरिका की यूएसए की बात की जाती है, तो ये है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अगर हम भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व यानी कि आधार स्तंभों की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल है। भौगोलिक कारक विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है, जिसे भू राजनीति की संज्ञा दी जाती है। भारत एशिया में केंद्रीय स्थान पर है, यानी कि बीचों बीच है, तथा दक्षिण एशिया में सर्वाधिक क्षेत्र पर स्थित है। ऐसे में संपूर्ण एशिया की कोई भी बड़ी छोटी घटना भारत को प्रभावित करती है। हिमालय जो है ये भारत के पहरी की तरह कार्य करता है, यानी कि आप समझ सकते हैं एक तरह से सीमा का निर्धारण सा करता है, जो अन्य हिमालयी देशों जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया से संबंध निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। एक बार आप लोग देख लीजिए,
आप सोचिए, अगर हिमालय ना होता यहाँ तो चीन और नेपाल बहुत मतलब करीब आ जाते, आसानी से आ जा सकते थे। अभी आप समझ सकते हैं कि नेपाल और चीन के बाद हिमालय होने के कारण आसानी से पहुंच नहीं हो पाती है चीन की नेपाल तक, ठीक है। और हमारे संस्कृति भी देख सकते हैं, नेपाल से हमारी काफी संस्कृति, आप फिर चाहे बौद्ध को देख लीजिए, श्री राम को देख लीजिए, आप श्रीलंका से भी देख सकते हैं बुद्ध धर्म, श्रीलंका, वही श्रीलंका जहाँ रावण की बात की जाती है, सीता माता को हरने की बात की जाती है। तो ये संस्कृति से भी काफी हद तक हमारे संबंध इससे जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। परंतु चीन द्वारा 1962 से लगातार इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बनाए रखने की चाय भारत की विदेश नीति पर स्पष्ट प्रभाव डाल रही है, जो अभी हाल ही में नेपाल के साथ संबंध परिवर्तन के रूप में दिखा है। एक बात और याद रखिए, ये अभी जो चाइना से हमारा मामला चढ़ा हुआ है, तो ये अक्साई चीन को लेकर यहाँ विवाद चल रहा है। और पाकिस्तान ने अभी, आपने देखा है कि एक नया मैप जारी किया है, पहले आपने नेपाल ने किया था और उसके बाद पाकिस्तान ने भी किया है, तो जम्मू कश्मीर को पूरा अपना हिस्सा बताया है उसने, और यहाँ जूनागढ़ गुजरात को भी अपना हिस्सा बताने लगा है। तो आप समझ रहे हैं, एक समय नेपाल हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर रहता था, आज आप देखिए किस तरह से बदलता जा रहा है, चाइना की भाषा बोली जा रही है उसके द्वारा। अरुणाचल प्रदेश पर आप देखते हैं कि चाइना पूरी तरह से कब्जा करने की बात करता रहता है, बोलता रहता है पूरा हमारा है। इसके साथ ही हिंद महासागर में भारत को प्राकृतिक बढ़त है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की महत्वपूर्ण शक्ति बनने हेतु भारत का हिंद महासागर पर प्रभुत्व आवश्यक है। वर्तमान समय में हिंद महासागर क्षेत्र संपूर्ण विश्व के व्यापार तथा संचार का महत्वपूर्ण मार्ग है, अतः यह भी भारत की विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। आप जानते हैं कि जो हिंद महासागर है, हमारे देश के नाम पर ही इसका नाम पड़ा हुआ है। और एक बात और याद रखिए, कहा जाता है कि 21वीं जो सदी है ये एशिया की सदी मानी जाती है, लेकिन आप देखिए एकता नहीं है एशिया में, वरना चीन और आप समझ सकते हैं कि भारत के पास पर्याप्त जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया में ही है। और आज के समय आप समझिए, जहां जनसंख्या है वही देश सक्सेस होने की हो सकते हैं, क्योंकि मांग रहेगी, उत्पादन रहेगा, बराबर चलता रहेगा, लेकिन एकता ही नहीं है, और एकता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, आप समझ रहे हैं। बाकी फिर चाहे यूरोपीय देश हो, फिर चाहे आपके अमेरिका हो, लाभ उठाता रहेगा। दूसरा कारक इसमें हमारे देश में जनसंख्या निर्धारण करती है विदेश नीति को। भारत इस समय विश्व का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक युवा देश है, यानी कि कहने का मतलब है कि हम चीन के बाद दूसरे नंबर पर जनसंख्या के मामले में। लेकिन जो आपकी, आप समझ सकते हैं 15 से, या फिर आप समझ सकते हैं 15 से जो काम करने वाली एज होती है 59 साल तक, ये बीच की एज युवा जनसंख्या, ये हमारे देश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी अभी। अतः भारत एक उपभोगोन्मुख देश बन रहा है, ऐसे में यह सभी उत्पादक राष्ट्रों हेतु बड़े बाजार की आवश्यकता पूर्ण करेगा, जो विदेश नीति का निर्धारक है। परंतु इसके साथ इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ भुखमरी, गरीबी जैसी समस्याएं भारत की विदेश नीति पर स्पष्ट दिखती हैं। कई बार विश्व व्यापार संगठन में भारत अमेरिका के मध्य कृषि सब्सिडी में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर विवाद हो चुका है। कहने का मतलब यह है इसमें कि आप देखिए कि ये एक कृषि सब्सिडी की बात ऐसी रहती है कि जो अमेरिका है ये क्या करता है कि अपने यहाँ के किसानों को सब्सिडी यानी कि एक सहायता देता है, तो वहां के किसानों की स्थिति बेहतर है हमारे यहाँ की, फिर क्या करता है कि वो वहां से हमारे यहाँ कोई भी निर्यात करेगा, समझ रहे हैं। तो वो जो भी हमारे देश में आएगा, गेहूं को ले लीजिए, तो आप समझिए कि हमारे यहाँ जितना किसानों की लागत होगी उससे सस्ते में बेचेगा अमेरिका, तो क्या होगा, हमारे यहाँ के किसान पिछड़ जाएंगे, तो इसको लेकर भी विवाद चलता रहता है। दूसरी शासन प्रणाली, तीसरा तीसरा आधार क्या है विदेश नीति का, शासन प्रणाली। भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है जो विश्व के कई देशों को भारतीय विचारधारा स्वीकारने हेतु प्रेरित करता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा त्रस्त आसियान देश भारत की ओर देखते हैं, क्योंकि भारत का लोकतंत्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांत को मानता है। परंतु संसदीय व्यवस्था में कई बार विदेश नीति निर्धारण में राज्य सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। यदि केंद्र में गठबंधन की सरकार हो तो यह महत्व और अधिक हो जाता है, जैसे श्रीलंका में तमिल मुद्दे और 2005 में 2005 के अमेरिका न्यूक्लियर डील में देखा गया था। एक बात और आप लोग हमेशा याद रखिए, लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता है कि वहां चुनाव हो रहा है, जनता वोट डाल रही है, ऐसा नहीं है।
आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जो जहां वो चुनाव होते हैं वो लोकतंत्र है वहां, समझ रहे हैं? जहां मैं कहता हूं कि मतलब यह है कि जनता बोलने का अधिकार रखती हो, जनता कुछ भी काम करने का अधिकार रखती हो, अपना पूरा अधिकार मिलते हो। आपने अभी कुछ दिनों से देखा है हमारे यहाँ के देश पर लोकतंत्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है, क्योंकि हमारे अधिकार मिले हुए हैं जनता को, लेकिन यूज कौन कर रहा है उन्हें, उनके अधिकारों का कहाँ मिल रहे हैं? हमारे यहाँ सब कुछ मिला हुआ है। आप देखिए, पढ़ने का अधिकार है बच्चों के लिए, आप आदिवासियों की हालत देख सकते हैं किस तरह से पिछड़े हुए हैं, पिछड़ा हुआ आप देख सकते हैं बस्तियों में, कभी जाकर इनकी स्थिति देख सकते हैं। तो या भी चिन्ह लगने लगा है प्रश्न चिन्ह। एक लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता खुशहाल हो एक तरह से, समझ रहे हैं? उसके वोट का कोई महत्व हो। अभी आप देख रहे हैं कि वोट आपने दिया किसी और पार्टी के नेता को चुना, और वो नेता क्या करता है कि दिन में 10 पार्टी बदल के कहीं और शिफ्ट हो जाता है। तो इसका आपकी मतलब, वोट का मतलब क्या रहा, समझ रहे हैं? फिर आपका आर्थिक विकास भी आपकी विदेश नीति को निर्धारित करता है। विदेश नीति के निर्धारण में अधिक संप्रभुता अत्यंत आवश्यक है। यथा अपनी नीति से हटकर 1991 में भारत को अपने बाजारों को खोलना पड़ा था, परंतु उसके उपरांत भारत आर्थिक रूप से अत्यंत मजबूत हुआ। भारत की आर्थिक उन्नति ने कई देशों को अपनी तरफ आकर्षित किया। आज भारत महत्वपूर्ण ऊर्जा उपभोक्ता है, जिससे तुर्कमेनिस्तान, ईरान रूस जैसे देश भारत के साथ आर्थिक गठबंधन रखते हैं। परंतु अभी भी चीन के साथ नकारात्मक व्यापार संतुलन भारत की मुख्य समस्या बना हुआ है। एक बार आप लोग देख लीजिए, ये आपका ऊपर रूस है, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, ईरान, ये ईरान वही है जहां हम लोग चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं। एक बात और याद रखिए, चीन से हमारा जो व्यापार संतुलन है ये नकारात्मक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग 10 रुपये का वहां से सामान खरीद रहे हैं तो हम उतना 10 रुपये का बेच नहीं रहे उसे, 1 रुपये का बेच रहे हैं हम लोग। आप देखते हैं कि मोबाइल, अगर हमारे यहाँ 5 मोबाइल बिक रहे हैं तो उनमें से 4 मोबाइल किसके, चाइनीज कंपनियों के हैं। आप समझिए कि दवा कंपनियां हमारे यहाँ काम कर रही हैं, तो आप देखते हैं कि 70% तक कच्चा माल चाइनीज, मतलब चाइना से मंगाया जाता है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाइना मतलब हमारी कंपनियों पर मतलब ऊपर है। आप समझिए, कहीं आप लोग खरीदने जाइए कुछ भी सामान, तो वहाँ मेड इन इंडिया मिलेगा 1 सामान, और वहां मिल जाएगा चाइना के 10 सामान मिल जाएंगे। और तो ये हाल है, समझ रहे हैं? आत्मनिर्भर तब बन सकते हैं हम लोग जब पूरी तरह से हम लोग आत्मनिर्भर हो जाए। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से हम लोग पूरी तरह से व्यापार करना बंद कर दें। आत्मनिर्भर का मतलब है कि आप अगर किसी को 10 रुपये का कुछ बेच रहे हैं तो उतने ही 10 रुपये का खरीद रहे हैं, मतलब एक बराबर बैलेंस तो रहना चाहिए, समझ रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि हम खरीद रहे 100 रुपये का, उस देश को बेच रहे 1 रुपये का, क्या फायदा होगा हमें, समझ रहे हैं? यही। फिर आपकी संस्कृति भी, भारत की विदेश नीति के निर्धारण में इतिहास तथा संस्कृति की महत्वपूर्ण झलक देखती है। बुद्ध और गांधी के आदर्शों के साथ कौटिल्य का शक्तिशाली राज्य का सिद्धांत भारत का पथ प्रदर्शन करता है। विश्व के कई देश, जहाँ हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध बहुल, और उनसे भारत का नागरिक धार्मिक संबंध अच्छे से स्थापित हो जाता है। भारत इजराइल संबंधों का आधार कहीं ना कहीं भारत के सर्वधर्म संभाव की नीति है। भारत के इतिहास से ही साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, सशक्तिकरण का विरोध जैसे सिद्धांत प्राप्त हुए जो आज भारत की विदेश नीति में देखते हैं। एक बात और आपको बताऊं, आप सोचिए चीन, अभी जो आपका श्रीलंका से देख लीजिए, फिर चाहे नेपाल से, अगर हमारे संबंध अच्छे रहे हैं तो हमारे और कारकों के कारण नहीं रहे, जितना संस्कृति यानी कि धर्म का जितना महत्व से इनसे संबंध बनाए रखने में रहा है। क्योंकि आप देखते हैं कि अभी भी आप देखते हैं नेपाल में, नेपाल से आपके यहाँ की शादी होती है लड़कियों की, वहां की लड़कियां यहाँ शादी करती हैं, यहाँ के लड़के वहां शादियां करते हैं, तो इस तरह से आप देखते हैं वैवाहिक संबंध भी देखने को मिलते रहते हैं, समझ रहे हैं? तो इससे भी काफी हद तक जुड़ाव रखते हैं। फिर आपका क्षेत्रीय वातावरण, क्षेत्रीय घटनाएं भी विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 1971 में चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए संकटग्रस्त स्थिति लाया, तब भारत का रूस की तरफ झुकाव बढ़ा। वर्तमान में चीन का बढ़ता प्रभुत्व भी भारत अमेरिका संबंधों में प्रगाढ़ता का कारण है। भारत ने लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति तथा चीन का आसियान में बढ़ते बढ़ से भारत की क्षमता और शक्ति बढ़ी है। एक बात आपको बताऊं, जब आपका 1941 में हमारा पाकिस्तान से युद्ध हुआ,
तो उस समय ये तीनों साथ थे, चीन, पाकिस्तान और अमेरिका। उसके बाद देखा कि हमारा रूस से अच्छे संबंध थे, उसके बाद आपने देखा बांग्लादेश एक नया राज्य, नया देश बना उस समय, ठीक है। तो देश कभी आप सोचिए कि जो भी बाहरी देश होते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता है, उनका अगर आपसे मतलब है तो एक मतलब ही दोस्त नहीं होते हैं कुछ, कि अगर आपसे मतलब है तभी दोस्ती करेंगे, आपसे मतलब निकल गया दूसरे से दोस्ती कर लेंगे, आपके दुश्मन से दोस्ती कर लेंगे। तो यही बाकी देश के दुनिया का मतलब यही हाल है, कोई एक तरह से आप व्यवहार में आप सोचें कि संबंध बना ले ऐसा कुछ नहीं है। एक कारक है आपका वैश्विक वातावरण, वैश्वीकरण के उपरांत जब संपूर्ण विश्व एक दूसरे से जुड़ गया, ऐसे में वैश्विक कारक भी विदेश नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण हो गए। जैसे भले ही भारत तथा अमेरिका में सहयोग हो, परंतु पर्यावरण के मुद्दे पर अमेरिका के पेरिस समझौते से हटने के कदम का भारत द्वारा विरोध किया जाता है, तथा आतंकवाद के दमन हेतु भारत का अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की महत्वाकांक्षा भी इसी का उदाहरण है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत आज कई मायनों में विश्व व्यवस्था बदल चुकी है, जिसे ध्यान में रखकर भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु प्रयास करता है। एक बात और बताओ आपको लोगों को, अब अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा शक्तिशाली। आज आप सुन रहे होंगे कि चीन कुछ समय के बाद अमेरिका को पीछे छोड़ के नंबर वन पर जीडीपी के मामले में पहुंच जाएगा, बाकी मामलों में भी, क्योंकि आपने देखा है जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका हटा चीन ने तुरंत पैर जमा लिया, WHO से जैसे ही चीन अमेरिका ने पैर हटाया चीन ने तुरंत वहां तक भी, आप समझिए ईरान की बात कर लीजिए, कहीं भी देखिए आप लोग कि जहां से अमेरिका पीछे हट रहा है और चीन जाके वहां बैठ जा रहा है कुंडली मार के। तो समझ रहे हैं कि मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि अमेरिका मतलब सबको लेकर चलने की बात नहीं कर रहा है, आजकल चीन में एक क्वालिटी देखी जा रही है। और जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो, फिर चाहे राष्ट्रीय संगठन हो, इनके बारे में हम लोग बड़े विस्तार में बात कर चुके हैं, और महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से सूची बनी हुई है, उसे जाकर देख लें आप लोग, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भी वहां सब बताया गया, ठीक है। एक एक तरह का संगठन है UN का। फिर आपकी सैन्य शक्ति, आज भारत थल सेना में तीसरे, वायु सेना में चौथे और जल सेना में छठा सबसे ताकतवर देश है। इसके साथ ही साथ भारत न्यूक्लियर शक्ति संपन्न देश है, अंतरिक्ष में भारत प्रभुत्व सभी जानते हैं भारत का, ऐसे में ये भारत की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लास्ट में हम लोग कह सकते हैं कि आज भी की भारत की विदेश नीति में ये अवयव विद्यमान है, परंतु ये तत्व निरंतर परिवर्तित होते हैं, आधुनिक समय में राष्ट्र हित को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्धारण आवश्यक है। अभी भी कहा जा रहा है आपका कि नीति मतलब आप सोचिए कि भारत को अपनी विदेश नीति में झांक कर देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी हमसे दूर होते जा रहे हैं। नेपाल को आप देख सकते हैं कितना अच्छा मित्र हुआ करता था, पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड रहता था, आज आप देखिए किस तरह के मतलब वहां का राष्ट्र प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री भी हमारे देश के खिलाफ जहर उगलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है उन्होंने कह दिया कि चीन से जो वायरस कोरोना वायरस है इससे खतरनाक भारतीय वायरस है, उन्होंने फिर राम के मामले को लेकर कह दिया कि वो मेरे यहाँ अयोध्या है, अब बौद्ध धर्म को लेकर उन्होंने कह दिया है। तो इन सभी को हम लोग देखते रहते हैं, और याद रखिए जो भी आपके राजा हैं, जो भी फिर चाहे गांधी जी हो, कौटिल्य हो, ये सभी की बायोग्राफी कवर किए हुए हैं हम लोग, तो बायोग्राफी के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची है उसे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो विदेश नीति याद रखिए कोई मतलब एक क्लास में पूरी नहीं हो सकती है, इसके लिए एक पूरा टॉपिक है। तो ये तो केवल मतलब आप समझिए कि एक तरह से आंसर अगर आप आज पेपर देने जा रहे हैं तो कुछ पॉइंट लिख सकते हैं आप लोग वहां इनमें से, ठीक है।